पता है आपने आलू का हलवा तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन कच्चे आलू का हलवा नहीं खाया होगा। तो चलो आज बनाते हैं हम कच्चे आलू से आलू का हलवा। तो ये देखो हमारे पास है ये 4 से 5 आलू मीडियम साइज के, और इनको हम ऐसे कट कर लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं करने हैं, बस मोटे मोटे आलुओं को कट कर लेना है। बस इतने मोटे मोटे आलू काटने हैं इनको। हमारे आलू हो गए कट के तैयार। अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर रखेंगे कुकर, गैस को चालू करेंगे। हमारा कुकर होके हो तैयार हो गया है गरम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को भी गरम होने देंगे। तो घी हमारा हो गया गरम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलुओं को रखा हुआ है इसको हम इसमें डाल देंगे। ये घी भी ज्यादा गर्म हो गया था, इस करके ये ज्यादा सेट नहीं है, और जिससे हमने इसको निकाला था उसी से हम इसको अच्छे से सिम गैस के ऊपर पकाएंगे। ये आलुओं को हमने सिम गैस के ऊपर इनको भून लिया। अब हम क्या डालेंगे इसमें, अब हम इसमें डालेंगे ये एक 4 आलुओं में ये आधा कप चीनी। ये मैंने पूरी चीनी 1 कप नहीं डाली है, इसमें आधा कप चीनी डाली है, और इसको भी चलाएंगे। उसके बाद में हम डालेंगे ये हमारे पास है नारियल, जो घर में होता है गोला, उसको घिस के इसमें हम डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी पानी। और इसमें 1 सीटी लगवा लूंगी, कुकर को बंद कर। तो उधर हमारा हलवा बन, वो हलवा बन रहा है आलू का, और इधर बना रहे हम सब्जी। तो सब्जी किसकी बना रही हूं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास है आलू, और मैं इसमें आलू छोड़ दूंगी, जीरा छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, और इसमें डालूंगी ये काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसको मैं चला लूंगी। इसको चलाने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारे पास है दही, सारा मैं इसमें दही डाल दूंगी, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो ये हमारे बनके हो गए मटर वाले आलू। तो बस अब हम गैस को कर देंगे बंद, और आपके पास धनिया हो इसमें धनिया डालें। चकाचक हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई, और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये व्रत वाली सब्जी बना रही हूँ, मठे वाले आलू। अगर आप वैसे बिना व्रत के भी बनाओगे तो इसमें हल्दी पाउडर सब कुछ डाल सकते हो। ये व्रत के लिए इसलिए मैंने इसमें सिर्फ जीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च, धनिया, नमक और दही, बस ये चीजें डाली। अब गैस को बंद कर दो। तो अब हमारी सब्जी बन गई। अब हम अपने हलवे को देखेंगे। ये देखो हमारा हलवा, इसको हम अच्छे से, और गैस को चालू कर देंगे। अभी इसको टाइम लगेगा, इसको गैस को चालू करके सारे हम आलुओं को मैश कर लेंगे। ये हमारे आलुओं को हमने अच्छे से मैशर से कर दिया है, बिल्कुल इसको मैश कर दिया है, और इसको अब हम सिम गैस के ऊपर बहुत देर तक पकाएंगे। थोड़े से इसमें मैं बादाम डाल दूंगी, ये हमारे पास में बादाम, बादाम डाल दूंगी। काजू है, काजू डालें। किशमिश, हमारा एक बच्चा किशमिश नहीं खाता इसलिए मैं किशमिश नहीं डालूंगी, और इसको मैं पका लूंगी अच्छे से। तो ये हलवा हमारा बन रहा है। अब मैं इसमें ये गोला कसा हुआ है, पहले मैंने किस के डाला है, और अब ये मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और इसको पकने देंगे। और जो हमने सब्जी बनाई है उसके साथ में मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये हमारा आलू का हलवा बनके हो गया तैयार।
और मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से। ये देखो इतना अच्छा हमारा हलवा बना है। और अब मैं इसको रख दूंगी एक साइड में, और जो हमने मठे वाले आलू बनाए उसके साथ हम क्या खाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने तवा रख दिया और तवा हमारा, तो ये हम बना रहे हैं आज परांठे, और ये है सिंगाड़ी का आटा और आलू से मिक्स किया हुआ। इसको हम क्या करेंगे, बेल लेंगे आटे को, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, आसानी हो जाएगी बेलने में। आप चाहते हो कि ये गोल बने तो इसके लिए एक बर्तन लें और उसको ऐसे निकाल दें। और देखो हमारा परांठा हो गया बनके तैयार। तो हम क्या करेंगे, इस परांठे को उठाएंगे आराम से और गैस पे इस पे डाल देंगे। ये आज व्रत वाले परांठे बना रही हूँ, सिंगाड़ी के आटे से और आलू से ये मैं परांठा बना रही हूँ। ये हमने पलटा मार दिया इसके अंदर और देखो कितना अच्छा हमारा परांठा बन रहा है। और इस पे हम लगाएंगे हल्का हल्का सा घी, बिल्कुल इसका बस थोड़ा सा ना हल्के गर्म पानी से आलू, आलू जितने आप डालोगे, एक कप आटा था उसमें मैंने ये चार आलू से गूंथा हुआ आटा है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे उठाएंगे धीरे से और इसे सेकेंगे। ये हमारा परांठा हो गया बनके तैयार। ऐसे ही मैं सारे परांठे बना के रख लूंगी। तो ये हमारा हलवा, और अब हम इस हलवे को क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। तो ये हमारा आलू का हलवा जो मैंने कच्चे आलू से बनाया है, और ये हमारी मट्ठा के आलू, और ये परांठे। आलू का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन ये कच्चे आलू से बना हुआ और एकदम अलग तरीके से मैंने बनाया है इसको। तो ये आपको मेरा हलवा कैसा लग रहा है, और ये आलू दही वाले दही चटनी, और ये हमारे परांठे। ये देखो कितने अच्छे मुलायम सॉफ्ट बने। एक कटोरी सिंगाड़ी का आटा, दो चम्मच चार चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है साबूदाने का आटा, और इसको मैंने बनाया है इससे। ये व्रत की थाली हो गई तैयार। अगर ये व्रत की थाली आपको अच्छी लगी हो तो मेरा माधव की रसोई में इसको पूरा वीडियो जरूर देखें और एक बार जरूर बनाएं। इसी के लिए सबको राधे राधे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय।